Now we are beginning. मैंने आपको कहा था कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी पे कुछ सवाल करेंगे, अच्छे वाले, थोड़ा टफ सवाल है, मैथमेटिकल। टफ मतलब क्या है? मैथमेटिकल है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ऐसे सवाल नीट में तो नहीं आएंगे, ठीक है जी। जो सवाल मैं दे रहा हूँ वो नीट में तो आएगा नहीं। हाँ, जेई वालों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, मतलब जेई वाले कर सकते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक है, ठीक है, मैथमेटिकल है। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक। अंकुश जी बुक के लिए मैसेज करना है, मैं बता देंगे आपको, ठीक है। अभी पढ़ते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन जेई लेवल का है, नीट लेवल का नहीं है, फिर भी कर लो, कोई बात नहीं। अ पार्टिकल, यार इतने लेट क्यों आते हैं? बोला है 11:30, तो 11:30 आना चाहिए ना। अ पार्टिकल इज थ्रोन, ओवर अ ट्राइंगल, अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल। नीट वाले ही पढ़ लें क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? कंसेप्ट तो रहेगा। ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस, करवाऊंगा तो मैं ही, एंड ग्रेजिंग ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड, फॉल्स ऑन द अदर एंड। ऑफ द बेस इफ अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द बेस एंगल, बेस एंगल एंड थीटा be the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. ये प्रूव करना बच्चा। मैं फिगर बनाता हूं पहले इसका, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल दे रखा है आपको बच्चा अल्फा, और ये एंगल दे रखा है आपको बीटा बच्चा, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपके पास, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया किससे? इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको यू एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। और बोला गया कि वो देखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के ऊपर से, एक हॉरिजॉन्टल बेस से मैंने किया, और ग्रेजिंग द वर्टेक्स, मतलब इस वर्टेक्स को छूते हुए, इस टच करते हुए वो गिरा कहां पे? जाके दूसरे वर्टेक्स, दूसरे यहां पे, दूसरे एंड पे, मतलब एक एंड से मैंने प्रोजेक्ट किया और ट्रायंगल के दूसरे एंड पे वो गिर गया। और क्या किया उसने? जस्ट इसके जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स छूते वो निकल गया, ठीक है। अल्फा दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है और थीटा दे रखा है, और बोला क्या उन्होंने? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्रूव करना है। सवाल समझ में आया बच्चा? करवाऊंगा मैं, लेकिन सवाल तो समझ में आ गया होगा।
कि ट्रायंगल के एक बेस से दूसरे बेस तक हम फेंक रहे हैं और वो उसकी हाइट को टच करते हुए निकल रहा है। चलो अब मैं करवाता हूं बच्चा, सुनो आपको करना नहीं है, मैं कराता हूं। सबसे पहली चीज, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेंज कहलाएगा। मानते हो मैं प्रोजेक्टाइल मेरे पास यहां से प्रोजेक्ट करता था, यहां गिरता था मेरे पास, तो ये डिस्टेंस क्या होता था, रेंज। तो इसे मैंने रेंज मान लिया बच्चा, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बच्चा कि वो पॉइंट है ए, और कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, क्या है, एक्स कॉमा वाई। और इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, यहां 0.0। तो यहां से मैं डालू अगर परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पे, ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, सब लोग बोलो। गुड, ठीक है, तीन बच्चों का सही है जी, गुनगुन जी सही है, गणेश सही है और मुस्कान सही है। एक बच्चे ने थोड़ा गलत बोला है, सुनो देखो x ही होगा ना, देखो ये डिस्टेंस x होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, अगर मैं जाता हूं मान लो ऐसे, ये ओरिजिन है, कोई पॉइंट मेरे पास 4.3 है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, 4 ही होता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, 3। तो ये डिस्टेंस बच्चा मेरे पास x होगा, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा बच्चा, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूं ये मेरे पास y होगा। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को, x और y समझ में आया मैंने कैसे लिखा ये बच्चा, प्लीज बोलो, किसी को दिक्कत, ठीक है बच्चा। अब ठीक है बच्चा, देखते हैं, अब अगर बात करूं मैं ट्रायंगल की, बात करता हूं मैं, इसको बोलता हूं ओ, इसे चलेगा नहीं इस पे, तो ये इसको मैंने बोला ओ, ये पॉइंट मेरा ओ है, ये ए है, और इसे बी मान लूं, तो ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, जो मेरे पास है, इसमें ये एंगल कितना है अल्फा, ये कितना है वाई, और ये कितना है एक्स, मानते बच्चा। तो मुझे बताओ टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी इस ट्रायंगल से, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पंडित बद्री प्रसाद वाला फंडा लगाओ, y by x, गुड, p by b एंड y by x, वेरी गुड, शाबाश बच्चा, ब्रिलियंट। तो बच्चा थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, दूसरी साइड क्या होती है मेरे पास, बेस, और टैन क्या होता है, p by b, और p की वैल्यू क्या है मेरे पास, y, और b की वैल्यू क्या है, x। तो टैन अल्फा तो पता लग गया मुझे, वो क्या है, y by x, बात समझ में आ रही है। अब मैं ट्राइंगल देखता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, ये बी सी डिस्टेंस कितना है बच्चा बताओ मुझे, ए बी तो वाई है, बी सी डिस्टेंस कितना है, फिगर देखो और बताओ मुझे बी सी डिस्टेंस कितना होगा। गुनगुन सही, शाबाश, अलीशा तो नहीं, सिमरनजीत गुड, गणेश गुड, शाबाश, अंकुश गुड, ठीक है बच्चा। देखो बच्चा सिंपल फंडा है, ये टोटल दूरी मेरे पास अगर r है, टोटल दूरी मेरे पास r है, और ये दूरी x है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, r माइनस एक्स ही होगी। तो bc की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, r माइनस एक्स, ये एंगल क्या है, बीटा,
तो अगर आपसे पूछूं मैं इसमें कि टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो फटाफट बताओ टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी। वेरी गुड, शाबाश। सब लोग होशियार हो गए, कमाल है। चलो तो देखो, टेन बीटा होता है पी बाई बी। पी क्या है, ये वाला पी है और ये वाला बी है, तो टेन बीटा क्या आएगा, वाई बाय आर माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? तो मैंने टेन अल्फा निकाल लिया है और टेन बीटा निकाल लिया है। टेन अल्फा और टेन बीटा निकालने में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताओ। गुड बच्चा, सबने सही निकाला है। चल गुड। अब मुझे देखो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई, शर्माना नहीं है कि बाकी बच्चों को आया मुझे नहीं आया, ठीक है जी? फ्रीली पूछ लो, अपना फ्रेंडली फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालता हूं मैं। तो टेन अल्फा प्लस टेन, देखो ये साइड जो दिख रही है आपको, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्रूव करना है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो मुझे टेन अल्फा पता लग गया, टेन बीटा पता लग गया, तो उन दोनों का सम निकालना है मुझे। क्या निकालना है? सम। तो वैल्यू पुट कर दूं टेन अल्फा की और टेन बीटा की। तो टेन अल्फा की वैल्यू तो क्या थी मेरे पास, वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय आर माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो यहां पे आएगा वाई इंटू आर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। ये बन जाएगा वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो वाई एक्स ने वाई एक्स को मार दिया, तो बच्चा वैल्यू क्या बन गई, वाई आर बाय एक्स टाइम्स आर माइनस एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चलो गुड। तो मेरे को राइट हैंड साइड तो मिल गई, राइट हैंड साइड मतलब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, उसकी वैल्यू तो आ गई वाई आर बाय ये आ गई, ठीक है? तो अब मुझे टेन थीटा निकालना है। राइट हैंड साइड तो मैं निकाल चुका हूं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी अगर मैं टेन थीटा को भी इसके बराबर पुट कर दूं, काम बन जाएगा, ठीक है? तो अब मुझे टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, याद करो इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री के अंदर टेन थीटा आता था नहीं आता था, याद करो। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री में टेन थीटा आता था, मानते सब लोग? और उसकी तीन फॉर्म थी, उसकी तीन फॉर्म थी। तो तीसरी फॉर्म में आर भी आता था, याद करो, तीसरी फॉर्म में आर भी आता था। और मुझे पता है कि जो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है उसमें आर आ रहा है, उसमें आर आ रहा है। इसका मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो थर्ड फॉर्म क्या थी बच्चा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्मूला सबको याद, थर्ड फॉर्म है मेरे पास इक्वेशन की, ठीक है? अब इससे क्या करूं मैं, इससे मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और तो कुछ करना ही नहीं। सुन सुनो, तो क्या करूं मैं इससे, ये लिख लूं एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स बाय आर। एलसीएम ले लिया मैंने आर यहाँ पे, ठीक है जी? यहाँ पे एलसीएम ले, तो ये बन जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू वाई बन गया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है खाली। तो ये आर जाएगा ऊपर, ये आर माइनस एक्स नीचे, और ये एक्स भी नीचे जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई इंटू आर बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये वैल्यू किसकी आ गई, टेन थीटा। बात समझ में आ रही है बच्चा? ये मैंने क्या यूज किया, थर्ड इक्वेशन यूज किया, और सिर्फ मैंने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली इससे।
थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वाई आर बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स। वही वैल्यू देखो, यही वैल्यू किसकी आई थी, ये वैल्यू किसकी थी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की, और ये किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। क्या दोनों सेम है, डिफरेंट है? सेम है, तो यही मुझे प्रूव करना था कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। बस ये सवाल पूरा हो गया। क्या मुश्किल सवाल था क्या भाई? थोड़ा मैथमेटिकल था, बस पी वाई भी यूज करना आना चाहिए। चलो ये जेई की प्रॉब्लम है, जेई पूछ चुकी पहले ही। चलो तुम्हें इजी लगा, अच्छी बात है बच्चा, ठीक है। चलो अब एक दो प्रोफाइल और करनी मुझे, ठीक है, वो मैं करा के इसको कवर करता हूँ, फिर मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूंगा न्यूटन लॉ। और मेरी बात मानना, आपको बड़ा मजा आएगा न्यूटन लॉ में, ठीक है, इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कराऊंगा तुम्हें, मजा ही आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है नहीं आता, या बोरिंग है? चारू बोल रही है बोरिंग, चारू क्या बात है यार, ऐसे ना कर यार जितनी भी बोला टफ है। चलो भाई अभी आने दो, न्यूट्रल लॉ आने दो, फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, बड़ा मजा आएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो। अच्छा बोरिंग नहीं बोला, अच्छा ठीक। देखो क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो, अभी तुम शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस हो, कुछ एलन के करो, कुछ उस बुक के करना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको मजा आने लग जाएगा। और इतनी प्रैक्टिस करो कि बस सब फेल हो जाए। चलो मैं एक प्रोफाइल कराता हूँ, एक प्रोफाइल पेंडिंग है, मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बात की थी बच्चा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका पाथ पैराबोलिक है, सब चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल है, मान लो ये वाला इस पॉइंट पे इसकी हाइट h है, तो उसी हाइट पे वो वापस आता ना, मान लो ये हाइट h है, तो इस हाइट पे वो जाते टाइम भी जाता है, जब वो राइज कर रहा है तब भी वो इस हाइट पे पहुंचेगा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है तब भी वो उससे पहुंचेगा, मानते बच्चा? मतलब प्रोजेक्टाइल के अंदर एक हाइट पे पार्टिकल दो बार आता है, एक हाइट पे पार्टिकल दो बार आता है, एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट वाली हाइट पे वो सिर्फ एक बार आता है, बाकी हर जगह पे वो दो बार आता है, एक बार ऊपर राइज करते हुए और एक बार फॉल करते हुए। इतनी बात समझ में आती है कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही हाइट पे दो बार आता है, एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट। कितने लोगों मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यो ओके। अब सिंपल सा फंडा ये है कि आपसे पूछेगा, जैसे मान लो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं बस को, मान लो वो सेम हाइट पे है ऐसे, ये हाइट h है और ये हाइट h है, तो आपसे टाइम पूछता है, मान लो ये टाइम आपके पास t1 है, वो t1 टाइम पे इस पॉइंट पे था, t1 टाइम पे पॉइंट a पे था मान लो, तो बताओ वो किस टाइम पे b पे होगा, ये पूछता है आपसे, तो क्या बता पाओगे?
गुड अलीशा, हरमन जी गुड। सुनो बताते हैं, सेम टाइम पे तो नहीं होते बच्चा। हाँ भगवान थोड़ी है सेम टाइम पे होगा या कृष्ण थोड़ी है कि एक टाइम पे सब जगह पहुंच जाएगा वो, ठीक है? तो एक टाइम पे तो नहीं होगा, ठीक है जी। एक टाइम पे सब जगह होना तो भगवान के हाथ में है। देखो सुनो, सिंपल सी बात क्या है, ये ग्राफ सिमेट्रिक है। जितना टाइम उसको यहां से यहां लग रहा है ना बच्चा, उतना ही टाइम ये वाला टाइम होगा। ग्राफ सिमेट्रिक है, मानते हो? तो ये टाइम भी क्या होगा, T1 होगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम जो है वो T है। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या होगा, T माइनस T1। मानते हो बच्चा, बात समझ में आई? तो वो A पे तो होगा टाइम T1 पे मान लो, तो B पे कब होगा, T माइनस T1, वेयर T इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है कुछ? कितने लोगों में बात चमक गई? अगर नहीं चमकी रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई बात चमकी नहीं चमकी? चलो T1 दो बार है, बताता हूं सिमरन जी, रुको एक मिनट। मैंने जो बात कही है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चे को शायद चमकी नहीं है, ठीक है जी। देखो सेम हाइट पे है, मैं कह रहा हूं ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल है, मानते हो? तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो टाइम होगा और जो यहां से लेके यहां तक का टाइम सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है मेरे पास, ठीक है? तो अगर ये टाइम T1 है तो ये टाइम भी T1 होगा, ये मैंने बोला। अब मुझे पता है टोटल टाइम जो है यहां से लेके यहां तक का, मतलब इस पॉइंट से लेके यहां तक का टाइम T है, तो यहां तक का टाइम जो होगा वो क्या होगा, T माइनस T1, ये बात मैंने कही है, ठीक है जी। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब सुनो, वो आपसे पूछेगा कि यार ये T1 T2 में रिलेशन, मतलब जैसे मानता हूं क्या सिस्टम है, देखो जैसे ये है, जब सहज हैज रेज द हैंड, बोलो बच्चा क्या हुआ, बाय मिस्टेक कोई नहीं। तो बच्चा सुनो, इन जनरल हम क्या बोलेंगे, यहां से लेके इस पॉइंट से, मतलब ए से लेके बी तक का टाइम जो है मान लो वो है मेरे पास, ए से लेके बी तक का टाइम, उसे मानते हैं हम टी वन, क्या मानते हैं, टी वन मान लेते हैं। और मैं लिख देता हूं ए से बी तक का टाइम टी वन, और ए से लेके सी तक का टाइम टी टू मानते हैं, क्या मानते हैं, टी टू। ए से सी तक का टाइम टी टू, तो मुझे पता है T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चा T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी, कॉमन सेंस है बताओ फटाफट। गुड, दो बच्चों ने सही दिया है, हरमन ने सही दिया है, अंकुश ने सही दिया है। चलो सुनो, देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता है, देखो बच्चा मैसेज कर रहे हो अब, चलो गुड बच्चा, अंश का भी सही है, अमित कुमार जी टाइम लिखना है, ठीक है जी। चलो साधना जी
थोड़ा सा और मॉडिफाई, सुनो, ये टाइम टी वन है तो ये टाइम भी क्या होगा, टी वन ही होगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम, यहां से लेके मतलब ए से लेके सी तक का टाइम तो टी टू है, और सी से लेके डी तक का टाइम क्या है, टी वन है। तो टी टू प्लस टी वन किसके बराबर है, टी के बराबर आएगा। टी क्या है, टाइम ऑफ लाइट। अरे चमका, ये रिपीट करूं, जिनका गलत था चमका। चलो, ये आया कैसे सारा सिस्टम, ठीक है बताता हूं मैं इसको करने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है, बता देता हूं, ठीक है रिपीट। चलो करते हैं हरीश जी, सुनो, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा भाई अगर, ठीक है एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना, अभी एंड टाइम पड़ा है बच्चा, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं यार। चलो सुनो बच्चा, ये आया कैसे, सुनो देखो, हरीश जी मुझसे पूछ रहे थे, यार मैंने डिसेबल नहीं कर रखा क्या, चलो हरीश जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे कर दिया आपने यार, चमत्कारी हो आप, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये सेम हाइट पे है मेरे पास, ये टाइम टी वन है, तो बच्चा ये टाइम टी वन है तो ये वाला टाइम भी तो क्या होगा, टी वन होगा, सिमेट्रिक है, यहां से लेके यहां तक का टाइम, और यहां से लेके ये जो टाइम है वो मैंने क्या माना, टी टू माना था। तो ये पूरा टाइम टी टू प्लस ये वाला टाइम टी वन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा बच्चा। तो टी वन प्लस टी टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बात समझ में है हरीश जी, चलो अब मैं बताता हूं मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, सुनो बहुत आसान है मैथमेटिकल निकालना भी। तुमने बचपन में शायद कुछ पढ़ा है क्या, एक इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक वाली, नाम तो सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सुना है, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका, चलो सुना हो, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, ठीक है जी। चलो अब सुना हुआ है तो सुन लो, जब बहुत छोटा था कोई बात नहीं, अब तो बड़े हो गए ना, याद होगा फिर तो। चलो अब सुनो बच्चा, देखो सिंपल हंड रहा देखो, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के दो रूट आएंगे, एक्स के दो रूट आएंगे। अब दो रूट आएंगे तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, सम ऑफ रूट पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो सुन लो, सम ऑफ रूट पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दो चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी तो सुन लो, जिसको आता ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, वैस गुड गुड गुड, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, शाबाश, होशियार हो, कितने बच्चे तुम यार। तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट जो आता है, सम ऑफ रूट जो आता है वो आता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। बी और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं ए बोलता हूँ, कोफिशियंट ऑफ एक्स को मैं बी बोलता हूँ। तो सम ऑफ रूट क्या आता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है बच्चा, हाँ टेंथ में था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है सी बाय ए। गुड, शाबाश, तुम तो होशियार ही बहुत बच्चों, ठीक है जी, सी बाय ए आ गया मेरे पास। ये चीज आपको पता है तो जो मैं टॉपिक करा रहा हूं वो बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, नहीं पता तो मैं बता दिया, जिनको नहीं पता था वो देख ले। वेयर ए बी सी का मतलब पता होना चाहिए, ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, कई बार क्वाड्रेटिक टी में बन जाएगी तो कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा, कोफिशियंट ऑफ टी क्या बनेगा, बी बन जाएगा, और सिंपल जो कॉन्स्टेंट है वो क्या बनता है, सी बनता है, ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं वो करते हैं, वो क्या करना है, सेम हाइट पे निकालना है, टाइम निकालना है बेसिकली। मान लो ये प्रोजेक्टाइल है और ये हाइट एच, इस हाइट पे वो दो बार आएगा, ठीक है।
तो मुझे करना क्या है, मुझे हाइट एच पता है, मुझे टाइम निकालना है, एच पता है, टी निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको यू भी पता होगा और थीटा भी पता होगा। यू गिवन होगा आपको और थीटा भी गिवन होगा, ठीक है। निकालना क्या, टाइम निकालना है। तो इस टाइम को मैं मान रहा हूं टी वन और इस टाइम को मैं मान रहा हूं टी टू, ठीक है बच्चा। तो निकालना है, तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबने पढ़ी है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मैं कहां लगाऊं, एक्स में लगाऊं या वाई में लगाऊं? वाई में लगाऊं, क्योंकि देखो डिस्टेंस मुझे कहां दे रखा है, वाई में दे रखा है, मानते हो। तो मुझे एच पता है, एच तो क्या है, वाई का डिस्टेंस पता है मेरे को, तो इसको मैं एच पुट कर दूं यहां पे, ठीक है बच्चा। तो अब मुझे बताओ यहां पे एस, यहां पे एस था, एस वाई यू वाई ए वाई इंटू टी स्क्वायर आएगा। यू वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चा, बताओ मुझे। प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया हम लोगों ने, तो यू वाई की वैल्यू याद होगी सबको, गुड शाबाश। तो वो क्या होगा, यू साइन थीटा, गुड। तो एच पता है, यू साइन थीटा इंटू टी। ए वाई की वैल्यू माइनस जी होती है, सबको याद है, तो माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ये बन गया बच्चा मेरे पास। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक बना लूं, क्वाड्रेटिक तो है ही ऑलरेडी, अरेंज कर लूं, तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आती है, मैंने अरेंज किया है, मैंने हाफ जी टी स्क्वायर को भी इधर ले गया और यू साइन थीटा इंटू टी को भी इस साइड ले गया। इतनी बात सबको समझ में आई बच्चा, अभी मीटिंग एंड होने वाली है बच्चा, तो रीज्वाइन कर लेना एक बार प्लीज, ठीक है, एंड हो रही है मीटिंग वैसे, ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ, रीज्वाइन कर लो।